हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन टॉपिक लेकर आए हैं उपभोक्ता का संतुलन गणनावाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत। उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन अपन दो दृष्टिकोण के अंतर्गत करते हैं। पहला उपयोगिता विश्लेषण, जिसे अपन गणनावाचक दृष्टिकोण भी कहते हैं, और दूसरा है तटस्था वक्र विश्लेषण या अनादिमान वक्र विश्लेषण, जिससे अपन क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण कहते हैं। उपभोक्ता संतुलन के बारे में अपन अध्ययन करें, उससे पहले अपन देखना चाहते हैं कि उपभोक्ता संतुलन होता क्या है। उपभोक्ता संतुलन का मतलब है कि उपभोक्ता को जो आय होती है, यानी जो आय दी हुई है, उपभोक्ता निश्चित एक आय होती है, उपभोक्ता उस अपनी निश्चित आय से अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। जब उपभोक्ता की उस दी हुई आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, तो उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है। और उपभोक्ता उस समय संतुलन स्थिति में तभी कहा जाएगा कि उस स्थिति से उपभोक्ता तब तक परिवर्तन नहीं करना चाहता है जब तक तो उस कोई परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी वर्तमान परिस्थितियों में वो उसका सबसे अच्छा विकल्प होता है। और उस समय उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है, क्योंकि उस स्थिति से परिवर्तन उपभोक्ता की उपयोगिता बढ़ाने के बजाय उपयोगिता में कमी करेगा। इसी के कारण कहा गया है कि उपभोक्ता संतुलन एक वह स्थिति है जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं की उन मात्रों का चुनाव करता है जो निश्चित आय से उसकी कुल उपयोगिता वो अधिकतम होती है, या कुल संतुष्टि वो अधिकतम होती है। अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे गणनावाचक दृष्टिकोण में उपभोक्ता का संतुलन। गणनावाचक दृष्टिकोण में उपभोक्ता का संतुलन दो अवस्थाओं में किया जा सकता है। एक है एक वस्तु उपभोग करने की अवस्था में, और दूसरा है जब उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं का उपयोग कर रहा हो। पहले अपन पढ़ते हैं कि एक अगर माना कि उपभोक्ता एक ही वस्तु का उपभोग कर रहा हो, तो देखते हैं कि उपभोक्ता संतुलन कब होता है। सामान्यतः एक उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग नहीं करता, एक से अधिक वस्तुओं का प्रयोग करता है। लेकिन पहले अपन देखते हैं कि एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होगा जब वह वस्तु की उस मात्रा का उपयोग करता है जिस पर वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर है होती है। यानी एक उपभोक्ता एक वस्तु की स्थिति में उस समय संतुलन में होगा जब एम यू एम इक्वल टू पी एक्स होगा। यानी एम यू एम कह दो आप, एक्स का तो यहाँ अपन दे दे एम यू एम इक्वल टू पी, और अगर मान लो अपन कोई वस्तु है उसका अपन एक्स वस्तु कह दें उसको, तो एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स होगा, तब उपभोक्ता संतुलन में होगा। ये जो एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स है, ये उपभोक्ता के संतुलन की आवश्यक शर्त है या पहली शर्त है, लेकिन ये पर्याप्त शर्त नहीं है। यानी इस स्थिति में भी हो सकता है कि उपभोक्ता संतुलन में नहीं हो, इसलिए इसके लिए साथ में एक शर्त और जोड़ना आवश्यक है, और वो है दूसरी शर्त है जो पर्याप्त शर्त है, वो होना आवश्यक है कि जैसे एक्स वस्तु है अपन खरीद रहे हैं, तो एक्स इंटू पी एक्स इक्वल टू आई। यहाँ पे एक्स का मतलब है वस्तु, पी एक्स का मतलब उस वस्तु की कीमत है, दोनों का गुणा है वो आई के बराबर। आई का मतलब है इनकम, आय के बराबर। यदि उपभोक्ता एक ही वस्तु खरीद रहा है, तो उस वस्तु में उस वस्तु की खरीदी गई मात्रा को उसकी कीमत से गुणा करें, यानी उस वस्तु पर किए गए कुल व्यय है वो उसकी आय के बराबर होना चाहिए। यानी पहली शर्त है कि सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो, दूसरी शर्त है कि उस वस्तु पर किया गया खर्च वो आय के बराबर होना चाहिए। अगर उसके आय के बराबर नहीं होगा, तो उपभोक्ता की आय अगर बच जाएगी, तो उपभोक्ता की आय बचने की स्थिति में वो और वस्तुएं खरीद कर अपने संतुष्टि को बढ़ा सकता है। इसलिए दूसरी शर्त भी साथ साथ पूरी होनी आवश्यक है, तभी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। ये तो ही एक वस्तु की स्थिति। सामान्यतः उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं का उपयोग करता है, इसलिए अपन देखते हैं कि एक से जब उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं का उपयोग कर रहा हो, तब संतुलन में कब होगा। जब उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं का संतुल उपयोग करता है, तो उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होगा जब उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे, यानी इस प्रकार खर्च करे कि विभिन्न वस्तुओं पर प्राप्त सीमांत उपयोगिता तथा उनकी कीमतों के अनुपात में समानता। यानी एम यू एम अपॉन पी, प्रत्येक वस्तु की एम यू एम अपॉन पी है वो आपस में बराबर होनी चाहिए।
जैसे दो वस्तुएं खरीद रहे हो तो एक्स और वाई वस्तुएं, तो उस समय ऐसा होना चाहिए एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। एम यू का मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता, और पी का मतलब है कीमत। जो भी नीचे उसके साथ में छोटे अक्षरों में लगाया जाता है, जैसे एक्स लगाया तो एक्स वस्तु, वाई लगाया तो वाई वस्तु, जेड लगाया जेड वस्तु, एन लगाया तो एन वस्तु, यानी उपभोक्ता उस समय संतुलन में होगा जब सीमांत उपयोगिता तथा कीमतों का अनुपात है सब वस्तुओं पर व्यय किए गए कि वो आपस में बराबर होगा। और अगर इसको अपन दूसरे शब्दों में ये कहें कि गणनावाचक दृष्टिकोण में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना गया है, और स्थिर मानने के कारण ही संतुलन की स्थिति में प्रत्येक वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर होनी चाहिए। यानी अगर अपन देखें इसको तो इसको अपन इस तरह भी लिख सकते हैं कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। और अगर और एक्स्ट्रा वस्तुएं खरीद रहे हैं अपन तो जैसे एम यू जेड अपॉन पी जेड, और भी बहुत सारी वस्तुएं खरीद रहे हैं तो देश 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 जितनी भी वस्तुएं अपन बात करें उन सब की आप सीमांत उपयोगिता है यानी एन अपॉन पी एन, ये आपस में बराबर होने चाहिए। और अगर इन सब वस्तुओं के बारे में अगर बात करें अपन तो बराबर होने का मतलब ये भी है कि एम यू एक्स है, जो एम यू एक्स है वो अपने एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, माना कि दो ही वस्तुएं खरीद रहे हो तो ये इक्वल टू एम यू एम। इसको अपन लेमडा की सहायता से दर्शाते हैं एम यू एम को, यानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता इसकी सहायता से, तो ये आपस में बराबर होना चाहिए तब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। और अगर अपन चाहें तो एम यू एम को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एम यू एक्स दो वस्तुओं की स्थिति में एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, क्योंकि जो अपने पहले वाले में एम यू एक्स अपन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपन पी वाई लिखा था, तो एम यू वाई को इधर नीचे ले पी एक्स को उधर लिए, तो इस प्रकार भी अपन लिख सकते हैं। और ये जो इक्वल टू होगा एम यू एम के बराबर होगा, या अपन कह सकते हैं लेमडा के बराबर होगा, उस समय उपभोक्ता संत होगा, ये उसकी पहली शर्त है। और जो दूसरी शर्त है वो है खर्च किया जाने वाला व्यय है वो कुल आय के बराबर होना चाहिए। यानी जैसे अपन बात करें तो ये जैसे अपन एक्स वस्तु खरीद रहे हैं तो एक्स इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई इक्वल टू आई होना चाहिए। इसको एक उदाहरण की सहायता से अपन अभी समझते हैं, मान लेते हैं एक उदाहरण लेते हैं अपन, और उस उदाहरण की सहायता से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये उदाहरण लिया मैंने कि माना कि एम यू एक्स है जो पहली वस्तु, अगर एक्स वस्तु की एक वस्तु उपयोग करता हूँ मैं तो मुझे 28 के बराबर संतुष्टि मिलती है, दो करता हूँ तो मुझे 24, दूसरी से सीमांत उपयोगिता मुझे 24 मिलती है, तीसरी से मुझे 20 मिलती है, चौथी से मुझे 16 मिलती है, पाँचवीं से मुझे 12 मिलती है, और छठी से मुझे 8 मिलती है। और मान लो अगर मैं एम यू वाई का उपयोग करूं तो मुझे 16, 14, 12, 10 और 8 और 6 ऐसे ऐसे जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ाते जाता हूँ सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, क्यों? आसमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। अब मैं मान लेता हूँ मेरी आय मान लो 10 रुपये और कीमत है जो एक्स वस्तु की 2 रुपये और वाई वस्तु की 1 रुपये, यानी एक्स वस्तु की कीमत 2 रुपये और वाई वस्तु की कीमत 1 रुपये। तो इसका मतलब है कि एम यू एक्स है जो अगर मान लो अपने को वो बराबर करने है तो क्या करना है, अपने को बराबर करने की स्थिति में, बराबर करने की स्थिति में अपने को करना एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। यहाँ पे एक्स दो मान की कीमत एक्स वस्तु की 2 कीमत मानी है जबकि वाई की 1 ही मानी, तो एम यू वाई में पी वाई का यानी 1 रुपये भाग देंगे तो हमेशा एम यू के बराबर ही रहेगा, लेकिन एम यू एक्स में अगर पी एक्स का भाग देंगे यानी 2 का भाग देना, मैंने कीमत 2 भागी तो एम यू वाई, तो जैसे मान लो पहली कई उपयोग की
तो मुझे एम यू एक्स अपन पी एक्स होगा वो 28 का आधा 14 हो जाएगा, और 2 इकाई उपयोग करूँगा तो 24/2 12 हो जाएगा, और 20/2 10 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इस तरह होता रहेगा। तो पहले मैं मान लेते हैं जैसे कि एम यू एक्स, मान लो मैंने पहले वाई वस्तु का उपयोग किया, क्योंकि पहली वस्तु अगर मैंने पहले रुपये मैंने एक्स वस्तु पर खर्च करता हूँ तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स मेरा 14 ही आता है, जबकि वाई पर खर्च करने से मुझे 16 मिलता है, एम यू वाई अपॉन पी वाई। तो पहले अपन मैंने वाई वस्तु खर्च किया तो मुझे 16 रुपये के बराबर यूटिलिटी मिली, और दूसरा मैंने एक्स वस्तु पर खर्च किया तो मुझे एम यू एक्स अपॉन पी एक्स 14 हुआ, और तीसरा मैंने वाई वस्तु पर करूँगा तभी वहाँ पे मुझे 14 मिलेगा, यानी 2 रुपये, क्योंकि एक्स वस्तु एक खरीदने के लिए 2 रुपये, तो मैंने यहाँ पे पहली एक्स वस्तु एक मात्रा खरीदी 2 रुपये वे हो गए, और वाई वस्तु की 2 मात्रा खरीदी तो टोटल 4 रुपये हो गए। अब मैं एक्स वस्तु की एक और मात्रा खरीदता हूँ तो बढ़ के मेरा ये 20 हो जाता है, और 20 से का आधा 10 हो गया तो 24 हो जाता है, 24 का आधा 12 हो गया, और वाई वस्तु की 3 हो गई, वाई वस्तु की 3 की 3 रुपये खर्च हुए, एक्स वस्तु की 2 इकाइयों पर 4 रुपये खर्च हुए, यानी टोटल मेरा 7 रुपये खर्च हो गए। अगर अब एक्स वस्तु की और मात्रा खरीदता हूँ मैं, यानी 20 का आधा 10, यानी एक्स वस्तु की 3 मात्रा तो 6 रुपये खर्च हो जाएंगे, और वाई वस्तु की 3 मात्रा यानी मतलब 4, अगर 1 मात्रा यानी 4 रुपये, 4 रुपये मेरी इनकम मैंने कितनी बताई थी 10 रुपये है, तो उस स्थिति में मेरी दोनों वस्तुओं पर पूरा खर्चा हो गया, कुल आय है वो पूरी खर्च हो गई, यानी एक्स इंटू अपने बताया था कि एक्स इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई इक्वल टू आई होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स 2 रुपये इंटू 3 करूँ तो 6 हो जाते हैं, प्लस इसको वाई के 4 इंटू 1 करूँ तो इक्वल टू 10 हो जाते हैं, और मेरी इनकम भी कितनी है 10 है। तो यहाँ पे मेरी दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है, साथ में मेरी पहली शर्त भी पूरी हो रही है, क्योंकि 20 से मुझे यूटिलिटी मिल रही है, मुझे मार्जिन सीमांत उपयोगिता है, लेकिन कीमत 2 ही है, तो 20 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे चौथी इकाई है वाई वस्तु की सही मुझे कितनी मिल रही है, यानी उपभोक्ता की दोनों पी एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम बराबर है, साथ में उपभोक्ता की सारी आय खर्च भी हो रही है, यानी इन दोनों इक्वेशनों को अपन देखें 6 रुपये एक्स वस्तु पर और 4 रुपये वाई वस्तु पर खर्च करने पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है, क्योंकि सारी आय दोनों शर्तें हैं वो उपभोक्ता संतुलन की पूरी हो रही है। इस प्रकार अपन देखें तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में गणनावाचक दृष्टिकोण के दृष्टिकोण से उपभोक्ता दोष संतुलन में हो सकता है जब एक वस्तु का उपयोग करे, तो उस स्थिति में उपभोक्ता वहाँ संतुलन होगा जहाँ एम यू बराबर पी होगा, और जहाँ 2 वस्तुओं से अधिक वस्तुओं का उपयोग कर रहा है तो उस स्थिति में एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इक्वल टू एम यू जेड अपॉन पी जेड इक्वल टू डेस 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 एम यू एन अपॉन पी एन, यानी जितनी भी एन वस्तुएं यानी कितनी मात्रा कर दे उन सब वस्तुओं इक्वल टू होगी एम यू एम, यानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर होगी, तभी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। ये ऊपर ने गणनावाचक दृष्टिकोण में उपभोक्ता का संतुलन देखा है, यहाँ पे इस उपभोक्ता के संतुलन में कुछ कमियाँ ये है उपभोक्ता के संतुलन के विश्लेषण गणनावाचक दृष्टिकोण में, कि क्या हुआ कि इन्होंने उपयोगिताओं को सबसे पहला इसमें कमी ये देखिए मान लिया, जबकि उपयोगिता मापनीय नहीं होती, क्योंकि उपयोगिता भावगत होती है, तो हर वस्तु भाव किसी के मनोदशा भाव का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है, और दूसरा यह है कि इन्होंने माना कि एक वस्तु को अपन उपभोग करते हैं तो दूसरी वस्तु के उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दूसरी वस्तु की संतुष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि ऐसा नहीं होती क्योंकि वस्तु एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती। तीसरा, इन्होंने मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मान लिया, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मानने के कारण ये हुआ कि जो मार्शल हैं वो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों को अलग अलग नहीं कर पाए, और आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग नहीं कर पाने के कारण ही मार्शल है वो गिपिन विरोधाभास की व्याख्या नहीं कर पाए,
इस प्रकार ये अपन कुछ कमियां हैं कि जो गणनावाचक दृष्टिकोण में देखने को मिलती है, और इसी के कारण जो क्रमवाचक दृष्टिकोण का उदय हुआ। तो थैंक यू, अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि तटस्थ अवकर विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन।